ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले दोबारा से नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। जन्माष्टमी पर मंदिरों में राधा कृष्ण की झांकियां की गई प्रदर्शित। माधवराव मंदिर में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मंडी के बजरेश्वरी मंदिर में जन्माष्टमी पर जागरण का किया गया आयोजन। ललित सोनवाल के स्वरम से गूंजी छोटी काशी। सनातन धर्म सभा द्वारा निकाली गई जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा। जन्माष्टमी पर कृष्ण लीलाओं का किया गया वर्णन। और सुंदर नगर में रेडक्रॉस मेला 9 व 10 सितंबर को किया जाएगा आयोजित। मेले में हाफ मैराथन दौड़ का भी किया जाएगा आयोजन। जन्माष्टमी के अवसर पर छोटी काशी मंडी में अनेकों आयोजन किए गए और जन्माष्टमी के मौके पर मंडी के माधवराव मंदिर में श्रद्धालुओं ने माधवराव के दर्शन किए और आशीर्वाद ग्रहण किया। मंडी के प्राचीन माधवराव मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर भगवान माधवराव के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखने को मिली और श्रद्धालुओं में दर्शनों के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने बारी बारी भगवान माधवराव के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया और श्रद्धालुओं ने बड़े ही प्यार से श्री कृष्ण को झूला झुलाया। श्रद्धालुओं ने कहा कि जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसीलिए वे दर्शन करने के लिए आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर मंडी के ज़्यादातर मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकियां प्रदर्शित की गई। नन्हे मुन्हे बच्चे राधा कृष्ण के परिधानों में सजे हुए नजर आए और बच्चों में जन्माष्टमी का काफ़ी उत्साह देखने को मिला। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों को सजाया गया था और आकर्षक झांकियां प्रदर्शित की गई। हमीरपुर में जिला भर में स्कूलों और मंदिरों में जन्माष्टमी पर धूम मची रही। श्री कृष्ण मंदिर हमीरपुर में औरतों ने कृष्ण के गानों का गान किया। कृष्ण के लिए झूले डाले गए जिसमें उन्होंने झूला झुलाया और साथ में किड्स प्ले स्कूल के बच्चों ने भी अलग अलग प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। हमीरपुर में जिला भर में स्कूलों और मंदिरों में जन्माष्टमी पर धूम मची रही। इसमें कृष्ण मंदिर हमीरपुर में औरतों ने कृष्ण के गानों का गान किया और कृष्ण के लिए झूले डाले गए जिसमें उन्होंने कृष्ण को झुलाया। इसके बाद स्कूल प्रशासन द्वारा कृष्ण का झूला डाला गया जिसमें बच्चों ने और अध्यापकों ने कृष्ण को झूला झुलाया, जिसमें बच्चों ने कृष्ण राधा बलराम सुदामा के दर्शकों को दर्शन करवाए। महिलाओं ने कहा कि कृष्ण जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम मंदिरों में गाना गाने आते हैं और साथ में कृष्ण जी के लिए व्रत भी रखती हैं। इस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और उनको गोपियों से बहुत प्यार था और गोपियों को भी उनसे बहुत प्यार था, इसलिए हम सभी इस व्रत को भगवान में लगन लगाने के लिए करते हैं। करना आए हैं, कान्हा का दर्शन करने आए हैं। बड़ा पुराना त्योहार भी है और व्रत भी है, बड़ी खुशी से मनाते हैं इसको, बड़ी धूमधाम से गाना करते हैं ढोलकी है। हम दूर दूर से आते हैं और व्रत भी रखते हैं और रात को झूला भी डालते हैं, बहुत कीर्तन करते हैं हम सब मिलजुल कर।
और इसका बहुत जन्मदिन इसका बहुत हर्ष और उल्लास से मनाते हैं इनका इसका जन्मदिन। हम हमीरपुर से के चैनल के लिए नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। बुधवार को छोटी काशी मंडी में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। सनातन धर्म सभा मंडी के द्वारा जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में राधा कृष्ण की आकर्षक झांकियां प्रदर्शित की गई। जन्माष्टमी के मौके पर शोभा यात्रा का नज़ारा देखते ही बन रहा था। शोभा यात्रा में श्री कृष्ण की पालकी का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। लोगों में जन्माष्टमी का उत्साह देखने को मिल रहा था। सनातन धर्म सभा के प्रेस सेक्रेटरी बीके शर्मा ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और शोभा यात्रा में सनातन धर्म सभा स्कूल के बच्चों द्वारा मनमोहक झांकी प्रस्तुत की जा रही है जिसमें राधा कृष्ण और ग्वालों को दर्शाया गया है। आज 24 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शोभा यात्रा में सनातन धर्म सभा के बच्चों द्वारा एक मनमोहक झांकी प्रस्तुत की जा रही है। इसमें राधा कृष्ण है, गोपाल ग्वाले हैं और इस तरह से मतलब ये आगे जा रही है। आज तक यहाँ पंडित राजेंद्र शर्मा जी द्वारा एक भगवान कृष्ण के चरित्र और उनके लीलाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। पिछले कल तक 3 तारीख तक भगवान कृष्ण के जीवन और चरित्र पर और लीलाओं पर प्रकाश डाल रहे थे। इसके बाद आज शोभा यात्रा में उनके बच्चों द्वारा झांकी प्रस्तुत की जा रही है जिसमें बाल लीलाओं का जो है वर्णन यहाँ किया जा रहा है और इसके बाद भजन मंडली की उनकी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। छोटी काशी मंडी में जन्माष्टमी के त्यौहार पर काफ़ी धूम देखने को मिली। वहीं मंडी स्थित सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल में जन्माष्टमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को मंडी में जन्माष्टमी के त्यौहार के मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। स्कूलों में नन्हे बच्चे कृष्ण और राधा के परिधानों में नजर आए। जन्माष्टमी के मौके पर सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और स्कूल के सभी नन्हे बच्चे कृष्ण और राधा के परिधानों में नजर आए। बच्चों ने राधा कृष्ण के जीवन पर आधारित संगीतों पर नृत्य किया। स्कूल की अध्यापिका कामिनी ठाकुर ने बताया कि सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल जूनियर विंग में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और यह त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर सभी बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉन्ग्रेचुलेट द पीपल ऑफ मंडी टाउन फॉर द फेस्टिवल ऑफ जन्माष्टमी। टुडे सचदेवा स्कूल जूनियर विंग हैज सेलिब्रेटेड कृष्ण जन्माष्टमी। All the little angels has participated to the Janmashtami festival. Janmashtami is a Hindu festival and it is celebrated on the birth anniversary of Lord Krishna. Devotional songs and dances mark the celebration. The festival is celebrated with great joy and togetherness. Our school celebrating all this type of function to develop the richest Indian culture and introduce to little angels throughout the year. As you know, Sachdeva International School Junior Wing has started since 2015. We are providing here a quality education. It's a strong academic foundation for the development of your child's spiritual, physical and mental personalities. Here we are also providing a high and good quality of crèche facility also. So please come and join us and once again happy Janmashtami. Bureau Report K Channel Mandi. बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए के चैनल।
नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, डॉक्टर साहिल मृगपुरी पीजीआई चंडीगढ़, एमडी डर्मेटोलॉजी हेयर एंड स्किन क्लिनिक। गेट कंसल्टेशन फॉर ऑल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हर तरह की त्वचा की बीमारियों का इलाज, जैसे फुलवेरी, दाग, मौके छाइयां, सोरियासिस, पिंपल्स इत्यादि। इसके अलावा झड़ते बालों के तरीके जैसे पीआरपी और हेयर फॉल ट्रीटमेंट से अद्भुत परिणाम आते हैं। मंडी शहर में पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट, 4000 से भी ज्यादा बाल लगाए जा सकते हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध है मंडी के नीलकंठ हॉस्पिटल में। डॉक्टर हेमंत मेडिकल स्पेशलिस्ट फॉर ऑल मेडिकल प्रॉब्लम लाइक शुगर, बीपी, दमा, वादरक इत्यादि। कान, नाक व गले के लिए उपलब्ध है डॉक्टर डीपी हांडा, नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, हिमाचल प्रदेश। बुधवार को जन्माष्टमी के मौके पर छोटी काशी मंडी में जहां शोभा यात्राएं और श्री कृष्ण की झांकियां प्रदर्शित की गई, वहीं बज्रेश्वरी मंदिर में आयोजित जागरण में छोटी काशी मंडी ललित सोनवाल के स्वरों से गूंज उठी। श्री कृष्ण के जन्म दिवस जन्माष्टमी को लेकर अनेकों प्रकार के आयोजन किए गए। छोटी काशी मंडी श्री कृष्ण के रंग में रंगी हुई नजर आई। वहीं मंडी के माता बज्रेश्वरी मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में ललित सोनवाल के स्वरों ने श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। के चैनल मंडी। मनाली में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बैंकों के कर्मचारियों सहित स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे क्षेत्रीय निदेशक निर्मल चंद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। मनाली में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को जानकारी देते हुए क्षेत्रीय निदेशक निर्मल चंद ने बताया कि ग्राहक ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाएं और कैश का कम से कम प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं देने के लिए तत्पर है। क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि लोगों को बहुत सी जानकारी नहीं होती है, जैसे कटे फटे नोटों के बारे में, नोटों की पहचान के बारे में। ऑनलाइन बैंकिंग संबंधित लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए आरबीआई ने ये जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक की यही हमेशा कोशिश भी रही है और इसी प्रक्रिया में हमने एक इस तरह का एक जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर मनाली में रखा, ताकि हम लोगों को बता सकें कि बैंकों से, जैसे खासकर जो करेंसी है, करेंसी में लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होती हैं, उनके जो कटे फटे नोट हैं वो बदले नहीं जाते बैंकों में,
और कई बार जो है वो उनको जानकारी के अभाव में, जैसे कि वे फोर्ज नोट क्या होता है और असली और नकली नोट की क्या पहचान होनी चाहिए, तो इन सब की जानकारी हमने लोगों को यहाँ पर दी है और बैंकों को भी हमने बताया है कि खासकर लोगों को इस तरह की कोई भी परेशानी होती है और जो ये जो नोट होते हैं ये किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में बदलने का प्रावधान है जो रिज़र्व बैंक ने निर्देश दिए हैं बैंकों को, ताकि वो जो है वो उसका अनुकरण करें और लोगों की जितनी भी जो नोट और सिक्कों से संबंधित समस्याएं हैं उनको कटे फटे उनको बदलने के लिए ये सब जो है हम बैंकों के ज़रिए उनको कर सकें। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। नगर परिषद चंबा के 3 पार्षदों ने चंबा में प्रेस वार्ता कर नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। नगर परिषद चंबा के 3 पार्षद अंजलि मल्होत्रा, धन्नो देवी और धीरज भड़ियाल का कहना है कि नगर परिषद द्वारा कई वार्डों में अधूरे पड़े कार्यों के खिलाफ न तो ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और न ही शहर की सफाई के नए टेंडर निकाले जा रहे हैं। नगर परिषद चंबा की कार्यप्रणाली के खिलाफ चंबा नगर परिषद के 3 पार्षदों अंजलि मल्होत्रा, धन्नो देवी और धीरज भड़ियाल ने आवाज़ बुलंद कर दी है। तीनों पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा न तो वार्डों में अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करवाने के बारे में कोई कदम उठाए जा रहे हैं और न ही नए कार्यों के लिए टेंडर लिए जा रहे हैं। वार्डों में फैले अव्यवस्था के आलम पर बोलते हुए नगर परिषद चंबा चौगान वार्ड की पार्षद अंजलि मल्होत्रा ने बताया कि नगर परिषद चंबा में बिना टेंडरों के लिए मिली भगत से कार्य किए जा रहे हैं। आपके समक्ष कुछ ऐसे मुद्दे रखना चाहते हैं जो कि हम सोचते हैं कि जो विकास कार्य पिछले 7 महीनों में जब से हम काउंसलर चुन के आए हैं होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक खुला पत्र हमारी अध्यक्ष महोदय को लिखा है, जिनसे मैंने 11 सवाल किए हैं और मैं चाहूँगी कि उन 11 सवालों को मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। पहला सवाल मेरा अध्यक्ष महोदय से है, आपको प्रधान बने 7 महीने हो चुके हैं और इन 7 महीनों में सड़कों पर तारकों के टेंडर जो करीब 64 लाख के हैं क्यों अभी तक नहीं दिए गए हैं और ना बुलाए गए हैं? यह भी बताएं कि सफाई के टेंडर बावजूद नगर परिषद के निर्णय के क्यों अभी तक नहीं खुले हैं? दूसरा, जंजगर खाली हो तो चुका है परंतु इसके किराए और हर्जाने की वसूली के केस क्यों दायर नहीं हो रहे हैं और इसके टेंडर निकाले नहीं जा रहे हैं जिससे जंजगर की सुविधा चंबा के लोगों को मिल सके? क्यों सफाई व्यवस्था चरमराई हुई लग रही है और क्यों सभी वार्ड के विकास कार्य नहीं हो रहे हैं? पक्का टाला मोहल्ला किस कप्पर द्वारा ड्रेन का कार्य चलाने से पहले ही क्यों और किसके कहने पर रोक दिया गया और वो अब काम कब होगा? के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए के चैनल के साथ। नमस्कार। जन्माष्टमी पर मंदिरों में राधा कृष्ण की झांकियां की गई प्रदर्शित। माधवराव मंदिर में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मंडी के बजरेश्वरी मंदिर में जन्माष्टमी पर जागरण का किया गया आयोजन। ललित सोनवाल के स्वरों से गूंजी छोटी काशी। सनातन धर्म सभा द्वारा निकाली गई जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा। जन्माष्टमी पर कृष्ण लीलाओं का किया गया वर्णन। और सुंदर नगर में रेडक्रॉस मेला 9 व 10 सितंबर को किया जाएगा आयोजित। मेले में हाफ मैराथन दौड़ का भी किया जाएगा आयोजन।